हेलो एवरीबॉडी, मैं राकेश चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के पहले दो भागों को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वार्ड था MWGST, जिसका हमने कोडिंग किया था 51223, जिसमें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड तेलंगाना आता है। इन सब का हम आज कैपिटल्स एंड इनके लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, इसका कैपिटल है भोपाल एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है हिंदी। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है महाराष्ट्र, जिसका कैपिटल है मुंबई एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है मराठी। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो है मणिपुर एंड उनका है कैपिटल इम्फाल एंड इनका लैंग्वेज है मणिपुरी। हमारा नेक्स्ट स्टेट है मेघालय एंड इनका राजधानी है शिलांग एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है खासी जयंतिया गारो, खासी जयंतिया एंड गारो। दोस्तों, शिलांग कुछ लोग बोलते हैं और शिलांग कुछ लोग बोलते हैं, आप जिसको प्रीफर करेंगे आपकी मर्जी, बस आपको ये याद रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट है मिजोरम एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है एजवाल एंड इनका लैंग्वेज है मिजो एंड इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का राजधानी है कोलकाता एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है बंगाली। दोस्तों, बंगाली बहुत ही प्यारा लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है गोवा, इनका कैपिटल है पणजी एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है मराठी एंड कोंकण। मराठी इसलिए क्योंकि गोवा मुंबई मतलब महाराष्ट्र के पास है। महाराष्ट्र का कैपिटल आपको बताया था मैंने मुंबई। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है गुजरात, इनका कैपिटल है गांधीनगर एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है गुजराती। दोस्तों, आप इसे भी आसान से याद रख सकते हैं, कैसे, क्योंकि जी से होता है गुजरात एंड इनका कैपिटल भी जी से शुरू होता है गांधीनगर एंड इनका लैंग्वेज भी गुजरात से गुजराती, तो इसे आप आसान से याद रख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है हरियाणा, जिनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है हरियाणवी एंड हिंदी एंड इनका कैपिटल है चंडीगढ़। हमारा नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत ही अच्छा प्रदेश होता है एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है पहाड़ी एंड हिंदी एंड इनका कैपिटल है शिमला। हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु एंड इनका राजधानी है चेन्नई एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है तमिल, टी से तमिलनाडु, टी से तमिल। आपको ऐसे ही बहुत सारे राज्यों का लैंग्वेज आसानी से याद रह सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा, जिसका राजधानी है अगरताला एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है बंगाली। दोस्तों, हमारा जो लास्ट वाला स्टेट है वो है तेलंगाना एंड इनका लैंग्वेज है तेलंगाना, टी से तेलंगाना एंड टी से तेलुगु एंड इनका कैपिटल है हैदराबाद, लैंग्वेज तेलुगु एंड कैपिटल हैदराबाद। तो दोस्तों, हम अभी जो पढ़े उसको ओवरऑली देख लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल एंड लैंग्वेज हिंदी, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई लैंग्वेज मराठी, मणिपुर कैपिटल इम्फाल लैंग्वेज मणिपुरी, मेघालय का शिलांग एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है खासी जयंतिया गारू, मिजोरम का एजवाल एंड लैंग्वेज मिचो एंड इंग्लिश, वेस्ट बंगाल का कोलकाता लैंग्वेज बंगाली, गोवा का कैपिटल पणजी लैंग्वेज मराठी एंड कोंकण एंड स्टेट है जो गुजरात, उसका कैपिटल है गांधीनगर लैंग्वेज गुजराती, हरियाणा का चंडीगढ़ लैंग्वेज हरियाणवी एंड हिंदी, स्टेट हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला लैंग्वेज हिंदी एंड पहाड़ी, स्टेट तमिलनाडु का चेन्नई कैपिटल है एंड लैंग्वेज तमिल, स्टेट त्रिपुरा का है अगरताला लैंग्वेज बंगाली, हमारा जो लास्ट वाला है तेलंगाना, उसका कैपिटल है हैदराबाद एंड इनके द्वारा बोले जाने वाला लैंग्वेज है तेलुगु। दोस्तों, आप इसे भी अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लीजिए और अपने नोट में लिख लीजिए, तो आप इसको याद रख पाएंगे। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गवर्नमेंट एंड गवर्नर के बारे में होगा। तो आज का वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जय हिंद।